जा। मतरानी लिपट जाए तो हमें ना छुड़ाइयो। टिक टिक टिक, समय समाप्त, खेल खत्म। पर खेल का इनाम दिए बिना तो हम उनका जाने नहीं देंगे। लटका के काय खड़ा चाबी देवे, उसी का मौका है। हास की औरत का इज्जत करते तो आज तक हम तो का देखे नहीं, अब बाहर की औरत का इज्जत उतारे का हिम्मत करे है तू? मैं हमने जानते ही लड़की कौन, हम तो आपके पुराने ऑफिस साफ करने के वास्ते आए थे। ये लोग तू गायब हो जा अब भी हमार नजरों के सामने से। जा और सुन, तू दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरा गर्दन काट के हम हवेली के बाहर टंगा देंगे, समझा? तो वो लड़की जो भी हो, उसका इज्जत के साथ यहां से जाने दो। भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या बात, सारा प्लान चौपट कर दिया वो हिटलर। क्या 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 माइंड? अरे हमरे रास्ता में रोड़ा डाले के और कुछ कर सकत है का? वो पता नहीं कहां से पता चल गया उका कि हम किसी लड़की का कब्जे में कर रखे हैं। क्या भाई को सब कुछ पता चल गया, लेकिन कैसे? अरे हमको का पता छुटकी, उका वफादार पवन पुत्र हनुमान अपना सूत्र बिड़ाए के पता लगा दिए होंगे कि हम कहीं लड़की का कब्जा में किए हुए हैं। भैया इसका मतलब माई को पता चल गया कि आपने राधिका को? उका नाम मत ले, माई को सिर्फ इतना मालूम है कि हम वो लड़की का कब्जे में रखे थे, बाको उका नाम नहीं मालूम। वैसे भी वो राधिका हमारा कैद से आजाद हुआ है, हमारा शिकंजा से नहीं। हमारा आदमी पूरा नजर रखा है उसके ऊपर। भैया हमको चंदनपुर जाने का है। चंदनपुर जाना? हाँ। पता नहीं छुटकी, तोरा शादी का सच छुपाए के चक्कर में और कितना झूठा इल्जाम हमको अपना सर पर लेना पड़े।